हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। आशा रखती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ बंगाली हल्दी लुक। जो बंगाली ब्राइड होते हैं हमारे यहाँ पर, वो एक हल्दी वाला लुक ट्राई करते हैं, तो उसी को मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया है उसका हेयर स्टाइलिंग। पहले मैंने स्टार्ट किया है क्रिम्पिंग, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत हेयर लेके उसे कर्ल किया है। किसी भी क्लाइंट की हेयर को क्रिम्प और कर्ल करने के पहले उसे ज़रूर पूछ लीजिए क्या उसने कोई ट्रीटमेंट लिया है हेयर का। केराटिन, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट अगर उसने किया है तो उसका टेम्परेचर बहुत ध्यान से रखना होगा, और उसके बाद आपको उसकी हेयर स्टाइलिंग करना है। आफ्टर हेयर स्टाइलिंग मैं डायरेक्ट मेकअप पे नहीं बैठी थी। हम लोगों ने थोड़ा बहुत लंच कर लिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत ठंडा पानी पी ली थी, और उसके बाद हम लोग मेकअप में आए। पहले एक प्रॉब्लम बता देती हूँ कि जो मेरी जो मॉडल है, मेरे फ्रेंड है, पर्सनली मेरे फ्रेंड है, उसका स्किन में एक प्रॉब्लम है। वो है बहुत बहुत स्वेटिंग। थोड़ा बहुत स्वेटिंग कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर रियल में आप बहुत आपकी स्किन में स्वेटिंग होता है तो अच्छा सा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, और उसके साथ साथ एसी में रहना बहुत मस्ट है। जितना भी अच्छा प्रोडक्ट आप यूज़ कर लें, क्योंकि वो जो मसल मूवमेंट होता है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट आप हायर कर लीजिए, स्वेट को कंट्रोल कोई कर नहीं सकता। हाँ, थोड़ा बहुत सलूशन है, जैसे एसी में स्टक करके बैठना है, आपको बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, ये सब कुछ मेंटेन करके अगर आप एक वाटरप्रूफ मेकअप करते हैं तो अच्छा है। और अगर आपके पास एसी फैसिलिटी नहीं है तो मैं आपको कहूँगी आप कर लीजिए, उसके बाद एक अच्छा सा मेकअप ट्राई कीजिए, तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नहीं तो वो स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम होता है आपको एंड में पता चल जाएगा। मैं कुछ आपको लू फॉल दिखाने वाली हूँ, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। अब आप लोगों को लगेगा कि इतने देर तक मैंने क्या बताया, वो भी म्यूट करके। वो एक्चुअली मैं प्रोडक्ट नॉलेज दे रही थी, वो भी बंगाली में। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे यूपी, महाराष्ट्र और भी बहुत सारी जगह जगह पे देखते हैं, उन लोगों का भाषा है हिंदी, तो इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बता के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट मॉडल का जो स्किन है उसे अच्छे से क्लीन कर लिया, डीप क्लीन कर लिया, वो भी गार्नियर का जो मिसेलर वाटर है, जो मेकअप रिमूवर होता है उससे। और उसके बाद मैं फेसेस कनाडा का एक टिशू लिया, वाइट टिशू लिया, उससे अच्छे से क्लीन किया। देखिए, मैंने टिशू को फेंक नहीं दिया, वहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रश को क्लीन करने के लिए रख भी दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टोनर यूज़ किया, वो भी प्लम के। और उसके बाद मैंने एक मॉइस्चराइजर यूज़ किया, वो है पीएसी एक्वा ब्लास्ट। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। उसका प्राइस इतना भी हाई नहीं है, लेकिन वो और भी उसके होता है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बाज़ार में मिल जाता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत महंगा होगा, लेकिन एक्वाबस ब्लास्ट उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने एक प्राइमर यूज़ किया था अडिकॉट का। अब मैं कलर बार की जो छोटू सा पैलेट है वहाँ से करेक्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर अच्छा है, बाद उसके बाद जितना भी कलर है उतना खास नहीं है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक अच्छा सा टोन वही पैलेट से मैं देकर इसे न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो मेकअप जो है वो ऑरेंज पड़ जाता है। तो थोड़ा बहुत मुझे काम आ गया था, तो मैं झट से नीचे गई थी। तब तक के लिए मैंने मॉडल को कहा था थोड़ा बहुत ब्लेंड करने के लिए, लेकिन उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। वो थोड़ा बहुत स्वेट का जो प्रॉब्लम मैं पहले आप लोगों को बताया था वही प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे दोबारा रीअप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी थी। इसके बाद मैंने यूज़ किया नायका का एक हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर। ये थोड़ा बहुत स्टिकी है, आप अगर ड्यूरेलाइन से इसे थोड़ा बहुत पतला करके यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा सा एक नेचुरल सा ग्लो देगा। शायद मेरे कैमरे के वजह से यहाँ पर अच्छा सा वो ग्लो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फोरहेड में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप इसे, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे यूज़ कर सकते हैं बेझिझक। और ये जो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन,
तो मैं इसका शेड चेक कर लिया। उसके बाद मुझे लगा थोड़ा बहुत लाइट शेड में इसे करना चाहिए, नहीं तो वो जो शूट का टाइम होता है ना, तभी वो जितना भी मेकअप होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, थोड़ा बहुत फीका फीका लगता है। तो मैंने यहाँ पर और एक शेड कुछ ही देर बाद ही इसे अप्लाई किया है, और ये इसको मैंने दो टोन फेयर किया था, क्योंकि एक तो ऑक्सीडाइज हो जाता है मैंने बताया, और एक जो स्किन के ऊपर एक अच्छा सा नेचुरल सा फिनिशिंग देता है। मैं ये मेकअप पर एक छोटा सा टेक्निक यूज़ किया है एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव की, तो आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। वो जो पहले जो वेट टिश्यू था उसके ऊपर मैं ब्लेंडर को थोड़ा बहुत प्रेस करके एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर रही हूँ, और जितने भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से स्किन के साथ न्यूट्रलाइज्ड और सेट दोनों कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक अच्छा सा कंसीलर यूज़ किया है दोनों शेड की, एक है ओरिफ्लेम की और एक है मेबलिन की, एक फेयर है और एक कूल टोन का है। तो उसके दोनों को अच्छे से मैं ब्लेंड करने वाली हूँ, और जो आई के नीचे वाला जो पोर्शन है तो थोड़ा बहुत हाईलाइट करना चाहिए, नहीं तो वो फीका फीका सा लगता है। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन आप अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो उसका जो रियल फिनिशिंग वो आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान से अच्छे से सब्र रख के ब्लेंड कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक गलती कर डाली, वो है जो पहले वाला जो स्टोव क्रीम था एज ए हाइलाइटर मैंने बेस में यूज़ किया, और उसके बाद मेकअप टोटली केकी होने लगा। तब मुझे पता चला कि ऐसे यूज़ करना नहीं चाहिए, तो आप भी इसे यूज़ मत कीजिए। पहले बेस में यूज़ कर लीजिए, उसके बाद फाउंडेशन के बाद प्लीज़ ना यूज़ कीजिए, तो मेकअप फिर से केकी होने वाला है जैसे मेरा हुआ है। आपको लास्ट में थोड़ा बहुत केकी लगेगा मेकअप, पहले ही मैं आपको लोगों को बता देती हूँ। अब मैंने यूज़ किया है कॉन्टोर, वो भी डार्मा पैलेट की है। ये थोड़ा कॉस्टली है मुझे, माने अकॉर्डिंग टू प्राइस ये मुझे थोड़ा बहुत कॉस्टली लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में सब कुछ यूज़ करना पड़ता है। कॉन्टोर फिनिश करने के बाद मैंने यूज़ किया है ब्लश, वो भी इनसाइड की, और इसका जो प्राइस है 78 से 80 तक, और बहुत अच्छा पिगमेंटेड है। हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पिगमेंटेड है, लेकिन प्रोफेशनल के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ठीक नहीं है। इसके बाद मैं मार्स का जो ट्रांसल्यूशन पाउडर है उसे अच्छे से फेस को सेट कर रही हूँ। पाउडर सेटिंग के बाद थोड़ा बहुत वेट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड का हाइलुरोनिक एसिड मिस्ट है उसे यूज़ किया, और उसके बाद मैंने रेवोल्यूशन का एक ग्लो फिक्स है, बहुत अच्छा सा नेचुरल ग्लो देता है, वो मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैं डायरेक्ट चले गई आई मेकअप पे। आई मेकअप मैं आज थोड़ा बहुत गॉर्जियस करने वाली थी, क्योंकि वो मैं घर में उसे सजा रही थी, और जो रियल क्लाइंट होते हैं अब सबका टेस्ट चॉइस सब कुछ चेंज हो चुका है, सभी लोग थोड़ा बहुत सिंपल एंड सटल एक लुक चाहता है, लेकिन मैं यूं ही घर में ट्राई कर रही थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत गॉर्जियस आई क्रिएट किया है। किसी का भी आई मेकअप कीजिए, थोड़ा बहुत सेटल करना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके गॉर्जियस करना है। अगर क्लाइंट को पहले वो सेटल लुक पसंद आ गया तो वहीं पर छोड़ दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो ग्लिटर और भी कलर डार्क कलर देकर उसे गॉर्जियस कीजिए, अगर वो वाला पसंद आया तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर पहले देखिए सटल सा जो कलर है वो येलो है, थोड़ा बहुत ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, उसके बाद वो लाइट पिंक, ये सब करके थोड़ा करके आई को गॉर्जियस कर रही थी।
ब्लेंडिंग के बाद मैंने यहाँ पर एक पिंक शेड का शिमर शेड यूज़ किया है, वो भी फिंगर टिप से। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि फिंगर टिप से वो शिमर वाला जो शेड्स होता है ना, वो ब्रश से ज़्यादा फिंगर टिप से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग भी कोशिश करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, और मुझे इस दिन थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत अगर विंग रखा तो शायद आई अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके विंग करना स्टार्ट किया। तो थोड़ा थोड़ा करके इसलिए कि अगर कोई भी गलती हो जाए तो झट से मैं उसे रिमूव कर सकती हूँ। अगर एक चांस में अगर करना चाहेगी कोई भी करना चाहेगा तो वो गलती होने का चांस ज़्यादा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लैक्मी आइकॉनिक का काजल यूज़ किया है, वो मेरा बहुत फेवरेट है। बहुत सारे ब्रांड मेरे पास है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लैक्मी में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया थोड़ा सा छोटा सा, उसके बाद एक ब्लैक शेडो से थोड़ा थोड़ा करके 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 मैंने स्मच करना स्टार्ट किया काजल और लाइनर दोनों को, और इसी से मैंने एक छोटा सा विंग बना लिया था। और आई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर फिशेस कनाडा का दोनों शेड लिया, उसके बाद अच्छे से फेस को सेट करने की कोशिश कर रही थी। कोशिश इसलिए क्योंकि जो मॉडल का फेस था शायद आपको कैमरे में ना दिखे लेकिन उसका फेस बहुत स्वेटिंग हो रहा था और मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। उसके बाद टेंशन लेकर मैंने स्टार्ट कर दिया कॉन्टोर करना। मैं पाउडर प्रोडक्ट बहुत थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर रही थी। और इसके बाद आता है ब्लश, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही थी आई मैजिक की ब्लश। रीसेंट मैंने एक रिकॉर्ड का ब्लश पैलेट यूज़ किया है मेरे एक भाई से, तो वो वाला पैलेट बहुत अच्छा है। अगर आप शिमरी सा ब्लश यूज़ करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड का वो ब्लश का पैलेट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आई मैजिक ठीक ठाक है। उसके बाद मैंने किया नोज़ कॉन्ट्रोल। मैंने क्रीम वाला पार्ट में नोज़ कॉन्ट्रोल नहीं किया था, जानबूझ के नहीं किया था क्योंकि उसका जो फेस बहुत स्वेटिंग हो रहा था, मुझे टेंशन हो रहा था, और थोड़ा थोड़ा करके उसका जो अपर लाइन है वो इतना स्वेटिंग हो रहा था कि प्रोडक्ट वो होता है ना छोड़ छोड़ के आ रहा था। तो मैंने फिर से उसे रीअप्लाई किया दोबारा, फिर से मैंने फेसेस कनाडा का जो कॉम्पैक्ट है उसे ज़्यादा करके यूज़ किया कि थोड़ा बहुत स्वेट कंट्रोल में आ जाए, लेकिन हो नहीं रहा था तो मुझे बहुत टेंशन भी हो रहा था। और फिर मैंने एक ग्लो जो रेवोल्यूशन का जो ग्लो टॉनिक है वो उससे यूज़ किया, थोड़ा बहुत मिस्ट दिया, और उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ कर दिया। अब एंड में आता है ज्वेलरी पहनना, और मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत गोल्ड का ज्वेलरी यूज़ किया, थोड़ा बहुत गोल्ड प्लेटेड का यूज़ किया क्योंकि मुझे वो अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट ब्राइट वाला लुक चाहिए था। मेकअप में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो चुका है क्योंकि स्वेटिंग प्रॉब्लम मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, किसी से भी कंट्रोल नहीं होगा, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की। पहले मैंने हेयर तो कर लिया था लेकिन हेयर को सेट नहीं किया था। अभी लास्ट में मैं थोड़ा बहुत पफ कर रही हूँ डायने बाय, और उसको अच्छे से क्लिप बॉबी पिन से सेट कर रही हूँ। जो मिडिल वाला पोर्शन था मैंने वो पहले ही कर लिया था और शूट करना भूल गई थी, और वो आसपास वाला जो सेक्शन पार्ट है वो अभी मैं कर रही हूँ, और हेयर ही सबसे लास्ट वाला पार्ट है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेकअप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई गलती हुआ है मुझसे तो भी बताइए, अगर कुछ अच्छा लगा तो भी बताइए, अगर अफोर्डेबल प्रोडक्ट के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो भी बताइए। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक लुक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।